हेलो यूट्यूब, मैं रवि वर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल F1 टेक सपोर्ट पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं बहुत दिनों से फेस कैम वीडियो नहीं बना रहा था। जी हां दोस्तों, मैं फेस कैम वीडियो अभी मान के चले कि मेरे जो 20 वीडियो हैं उसमें आपको फेस कैम वीडियो तो देखने को नहीं मिला होगा। बहुत सारे मेरे फ्रेंड जो है वो मुझे कहते हैं कि यार रवि तू अपना फेस कैम वीडियो क्यों नहीं बनाता, स्क्रीन रिकॉर्ड करके क्यों बनाता। मैंने कहा यार मेरे पास थोड़ा समय का अभाव रह रहा है तो इस वजह से मैं फेस कैम वीडियो नहीं बना रहा। बट मुझे आज ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि Redmi Note 7 का जो टेक्निकल गुरु जी ने बैंड टेस्ट किया था तो उस पर मैंने इधर 2 दिन में देखा कि बहुत सारे वीडियो बन गए। और मैं हमेशा से वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो मनोज डे के ऊपर हो चाहे आज टेक्निकल गुरु जी के ऊपर हो। दोस्तों मैं आप सबसे मैं पहले तो ये कह दूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो आपकी मर्जी है आप सुने या ना सुने, बट ये मेरी अपनी जो राय है टेक्निकल गुरु जी के बारे में वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों टेक्निकल गुरु जी ने वो जो वीडियो अपलोड किया था, जैसे कि हमेशा हर ब्रांड्स के फ़ोन का अनबॉक्सिंग वो करते हैं ये तो आपको पता है, ये वीडियो ऐसा तो नहीं था कि लाइव उन्होंने बैंड टेस्ट किया था, लाइव नहीं था, रिकॉर्डेड वीडियो था। क्या टेक्निकल गुरुजी अगर चाहते तो वो वीडियो ना हटा के, मतलब कि वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया उसमें वो फ़ोन उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है वो फ़ोन करके मनु जैन को बोल सकते थे कि हाँ भाई आपके जो फ़ोन में है ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, जो आप दूसरा फ़ोन मुझे दे दो, मैंने बैंड टेस्ट किया टूट गया, मैं व्यूअर्स को क्या दिखाऊँगा, आपके फ़ोन पर तो इफेक्ट आ जाएगा, आपके मार्केट पे इफेक्ट आ जाएगा, आपने आप जब फ़ोन लॉन्च करोगे इंडिया में तो उस पर तो इफेक्ट आएगा ही, ऐसा भी तो कर सकते थे टेक्निकल गुरुजी। थोड़ा सा यार दिमाग लगाओ, आप 1 मिनट में किसी के बारे में अच्छा या बुरा कह देते हो तो थोड़ा सोच लो, थोड़ा दिमाग लगा लो। कई लोगों को मेरी बातों से थोड़ा दुख हो रहा हो कि यार आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या देख के आप कर रहे हो, आप बहुत लोग कह रहे हो कि मैं टेक्निकल गुरुजी को सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को सोच के देखो, क्या टेक्निकल गुरुजी रेडमी नोट 7 का दूसरा सेट अगर वो रेडमी को बोलते तो क्या वो उन्हें प्रोवाइड नहीं करवा सकते थे? ऐसा भी तो है। मेरी मानिए, अगर मेरी बात आपको बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी, मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, बट टेक्निकल गुरुजी ने जो जेन्युइन चीज़ था वही दिखाया है। टेक्निकल गुरुजी के माइंड में ये बात आया होगा कि चलो भाई आज इसका बैंड टेस्ट करके देखते हैं, मान लिया कि उन्होंने बहुत सारे फ़ोन के साथ ऐसा नहीं किया है, बट कई लोग तो ऐसा कहेंगे कहाँ उन्होंने रेडमी के साथ ही ऐसा क्यों किया, सैमसंग भी आने वाला है, सैमसंग भी है, उसके साथ उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, ये बात उठेगी। जब सैमसंग के फ़ोन के लाइव इवेंट में वो गए थे तो वहाँ पर वो क्यों नहीं किए, तो भाई लाइव इवेंट चल रहा है वहाँ पे कोई इस तरीके की बात नहीं कर सकता कि फ़ोन को तोड़ दिया और ये हो गया, ये कोई बात नहीं हुई। मैं बस ये कहना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि टेक्निकल गुरुजी ने जो किया वो उस समय में उनके माइंड में वो था चीज़ आई होगी कि चलो इस चीज़ को करके देखते हैं क्या है, लाइव तो नहीं कर रहे ना, सोचिए अगर लाइव करते तो माना जाता है कि हाँ भाई चलो टेक्निकल गुरुजी ने इस चीज़ को लाइव ही किया, रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करके अगर आपको वो चीज़ बता रहे कि भाई इस फ़ोन में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस में उन्होंने कभी इस चीज़ को नहीं कहा कि हाँ ये परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही घटिया फ़ोन है, नहीं ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। हाँ थोड़ा जो फ़ोन के जो इंटरनल्स जो डिज़ाइन थे उनसे उनको दिक्कत है, फ़ोन कमज़ोर है, जो सच है वो सच है, यही तो बात है दोस्तों। और आप लोगों ने लंबी चौड़ी वीडियो बना ली कि टेक्निकल गुरु ये वो, चले इनको अनसब्सक्राइब करते हैं, दिखा दिए अपनी औकात, आप बिक चुके हो। दोस्तों ये गलत है, मैं इस चीज़ को एकदम बिल्कुल निगलेक्ट करता हूँ इस चीज़ को, और आपके सामने बस मेरी यही राय थी। और मैं यही बोलने के लिए आज दोस्तों स्पेशली अभी मैं आपके सामने इस वीडियो को फेस कैम के द्वारा बता रहा हूँ, रिकॉर्ड करके, स्क्रीन रिकॉर्ड करके नहीं बता रहा हूँ, पिक्चर दिखा के नहीं बता रहा हूँ। हाँ मैंने ये चीज़ भले ही दिखाया कि हाँ देखिए फ़ोन कैसा टूटा हुआ है,
या टेक्निकल गुरुजी ने खुद उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया आप लोग के सामने, जो सच है उसको एक्सेप्ट करने में आप लोग को क्यों ऐसा लगता है, और एक मिनट में किसी के बारे में बुरा बोल देना ये बहुत गलत बात है। मेरी यही राय थी दोस्तों, और आपकी क्या है राय आप कमेंट्स करके बताएं, वीडियो अपलोड करके बताएं, जैसे भी हो आप इस चीज़ को बताएं। तब तक के लिए, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आप हमारे चैनल F1 Tech Support देखते हैं या नहीं ये मुझे कमेंट्स करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन तो जरूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।